तो दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम सरसों का साग बनाने जा रहे हैं। तो सरसों का साग आप समझते हैं हेल्थी तो होता ही है, क्योंकि इसमें सारी चीजें विटामिन होता है, सभी चीजों में। ये हमने 500 ग्राम सरसों लिया है और थोड़ी सी मेथी ली है। ये हमने 100 ग्राम चने का साग लिया है, 100 ग्राम ही हमारा बथुआ है, और ये 10-12 हरी मिर्चें हैं, एक अदरक का टुकड़ा है। तो ये हमने साफ करने के बाद वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद अब हम इनको काट कर उबालना रख देते हैं। मेथी आप ज्यादा ना डालें, क्योंकि मेथी से साग कड़वा हो जाता है। सरसों, बथुआ, चने का, मेथी, चारों साग और हरी मिर्च, अदरक, नमक डालकर इसको उबाल लिया है। अब हम इसको घोट रहे हैं। हम 2 चम्मच मक्का का आटा लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करके ऐसे हम चला चला के मिक्स कर लेंगे। इसको इसमें गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं और फिर घोटना शुरू कर देते हैं। इस तरह से आप घोट घोट के इसको महीन कर लेंगे। 2 चम्मच हम पहले डाल चुके हैं, 2 चम्मच आटा हम और डाल रहे हैं। आटा ज्यादा ना डालें, क्योंकि ज्यादा डालने से फिर आटे का स्वाद आता है साग में। अब हम इसको फिर मिक्स करके इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, अब हमारा साग काफी घोटते घोटते काफी महीन हो चुका है। अभी हमें इस 5 मिनट और घोटना है, जिससे और महीन हो जाएगी और स्वादिष्ट बनेगा। अब देखिए, घोटते घोटते हमारा साग पूरी तरह से महीन हो चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च डाल रहे हैं और 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। एक बार आप अपने घर में बनाइए और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। हमको ये 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट के बाद हमारा साग तैयार हो जाएगा। अब हमारा सरसों का साग तैयार है। अब हम इसमें तड़का लगाते हैं। तड़का लगाएं तो आप सरसों के तेल का लगाएं। अब ये हमने पैन रख दिया और इसमें हम ऑयल डालते हैं। थोड़ा ज्यादा ही डालें सरसों का तेल। अब ये हमारा गर्म हो जाएगा। इसमें हम जीरा, थोड़ी सी हम लाल मिर्च डाल देते हैं और अब इस तड़के को हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। ये हमारा सरसों का साग खाने के लिए अब तैयार है। खाइए भी, खिलाइए भी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। आगे मिलते हैं किसी नई चीज के साथ। धन्यवाद।